नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। भारत और इंग्लैंड के बीच चार मुकाबलों की टेस्ट सीरीज के दो मुकाबले समाप्त हो चुके हैं, जहां पर सीरीज एक एक से बराबर है। पहला मुकाबला जहां इंग्लैंड ने जीता, तो वहीं पर दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने बाजी मारते हुए सीरीज में वापसी की है। अब इस सीरीज का तीसरा और चौथा मुकाबला मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा, अहमदाबाद में। इस मुकाबले के लिए BCCI ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है, जहां पर कुछ बदलाव टीम इंडिया में हमें देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों की वापसी होती हुई दिख रही है। तो हम आपको बताएंगे कि आखिरकार टीम इंडिया में कौन कौन से बदलाव होने जा रहे हैं, और साथ ही इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को पूरा अंत तक, और साथ ही आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीते तो कर दीजिए इस वीडियो को एक लाइक, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, पहले मुकाबले में टीम इंडिया को करारी शिकस्त मिली थी चेन्नई के ग्राउंड पर, लेकिन उसी ग्राउंड पर टीम इंडिया ने वापसी करते हुए दूसरे मुकाबले में 317 रनों की एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जीत है भारत की। साथ ही इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से कई खिलाड़ियों ने काफी शानदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की। वहीं पर आपको बता दें कि दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम एक भी बार 200 का आंकड़ा न छू पाई है, यानी कि अब तक चार टेस्ट पारियों में इंग्लैंड की टीम तीन बार 200 का आंकड़ा नहीं छू पाई है, जबकि एक बार उनकी टीम ने जरूर 578 रन बना दिए, जिसके चलते टीम इंडिया को पहला मुकाबला हारना पड़ा था। लेकिन इसके बाद जिस तरह का कमबैक टीम इंडिया के गेंदबाजों ने किया है, उसे देखकर लग रहा है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब तक की आखिरी तीन पारियों की बात करें तो वहाँ पर 200 रन भी नहीं बना पाए हैं। इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ जो रूट ही ऐसे हैं जो टिककर खेलने की कोशिश करें, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में उनकी भी बल्लेबाजी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, जिसके चलते टीम इंडिया ने एक शानदार जीत दर्ज की। वहीं पर अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अब तक सीरीज के उन हीरो के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने टीम इंडिया के लिए काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है और आगे आने वाले मुकाबलों में टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन के बारे में, जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज में कमाल करके दिखाया अब तक। तो दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले रविचंद्रन अश्विन का काम गेंद से कमाल करना था, लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी में भी शानदार शतक जमाया। इसके साथ ही उन्होंने दोनों मुकाबलों में शानदार विकेट चटकाकर अब तक इस सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। जहाँ तक बात करें रविचंद्रन अश्विन ने पहले टेस्ट मुकाबले में 9 विकेट चटकाए थे, जिसमें से पहली पारी में 3 विकेट, तो वहीं पर दूसरी पारी में शानदार 6 विकेट लिए थे। इसके बाद यहां पर दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी उनका गेंद से कमाल जारी रहा और दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ने में कामयाबी हासिल की रविचंद्रन अश्विन ने। जहाँ पर पहली पारी में इन्होंने 5 सफलताएँ प्राप्त की, तो वहीं पर दूसरी इनिंग में भी इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 3 बड़े खिलाड़ियों को पेवलियन की राह दिखाई। यानी कि अब तक सीरीज में रविचंद्रन अश्विन ने 17 विकेट चटका लिए हैं इंग्लैंड की टीम के। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने बल्ले से एक शानदार शतक भी लगाया, यानी कि बता दें आपको कि उन्होंने 106 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके चलते टीम इंडिया ने एक बड़ी बढ़त हासिल की थी और एक बड़ा लक्ष्य सामने रखा था इंग्लैंड के, जिसके सामने इंग्लैंड की टीम ने घुटने टेक दिए थे। वहीं पर इसके अलावा टीम के हीरो रहे अक्षर पटेल, जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में शानदार परफॉर्मेंस किया। जहाँ पर बात करें उन्होंने दूसरी पारी में शानदार 5 खिलाड़ियों को पेवलियन की राह दिखाई थी मात्र 60 रन देकर। इसके अलावा पहली पारी में भी उनका कमाल देखने को मिला था, जहाँ पर उन्होंने 2 सफलताएं प्राप्त की थी, यानी कि इस मुकाबले में उन्होंने 7 विकेट लिए अपने डेब्यू हुई मुकाबले में, और इस सीरीज में आगे वो कमाल कर सकते क्योंकि आगे आने वाला ग्राउंड उनका होम ग्राउंड रहने वाला है, यानी कि एक बार फिर इनके लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस की इनसे उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा हम बात करें भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा ने भी इस टेस्ट मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस किया। हालांकि चेन्नई के दूसरे टेस्ट मुकाबले से पहले रोहित शर्मा की फॉर्म एक चिंता का विषय बना हुआ था भारतीय टीम के मैनेजमेंट के लिए, लेकिन इन्होंने जिस तरह की पारी इस टेस्ट मुकाबले में खेली, उन्होंने इस मैच का रुख ही भारत की तरफ मोड़ दिया। लंच से पहले ही रोहित शर्मा ने शानदार 80 रनों की पारी खेलकर यह जिता दिया था कि वो इस टेस्ट में कुछ बड़ा करने वाले हैं, और इसके बाद उनके बल्ले से अपने टेस्ट करियर का 7वां शतक निकला। तो वहीं पर यह पारी वहीं पर नहीं रुकी, जिस तरह से रोहित शर्मा की आदत बन चुकी है लंबे शतक लगाने का, एक बार फिर यही कारनामा देखने को मिला, जहां पर रोहित शर्मा ने अपनी पारी को 161 रनों तक पहुंचा दिया और मात्र 231 गेंदों का इन्होंने सामना किया, जिसके चलते टीम इंडिया इस टेस्ट मुकाबले में काफी आगे पहुंच गई। यानी कि रोहित का यह परफॉर्मेंस भी टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभा गया। इसके अलावा विकेट कीपर ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस भी काफ़ी शानदार रहा और उनके परफॉर्मेंस से चलते कई उन्होंने शानदार स्टंपिंग भी इस
मुकाबले में किए, यानी कि बल्ले के साथ साथ अब वो विकेट के पीछे से भी कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टीम इंडिया के कप्तान और उप कप्तान ने भी शानदार अर्धशतकीय पारियां खेली, जिसके चलते जीत की तरफ टीम इंडिया पहुंच पाई, यानी कि इस मुकाबले में कई टीम इंडिया की जीत के हीरो बने हैं। लेकिन दोस्तों, तीसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया के लिए सामने एक बड़ी चुनौती रहने वाली है, वो है पिंक बॉल टेस्ट, यानी कि डे नाइट टेस्ट में टीम इंडिया का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। लेकिन फिलहाल टीम इंडिया ने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में शानदार परफॉर्मेंस किया था, जहाँ पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने शानदार शतक लगाया, जिसके चलते टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी। अब फिर उसी कारनामा को यहाँ पर दोहराने के लिए टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ उतरने वाली है। इंग्लैंड की टीम की बात करें तो उनकी टीम में कई बड़े बदलाव भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। चोपड़ा आर्चर ही टीम की तरफ से फिट हो जाएंगे, तो वहीं पर इसके साथ ही साथ इंग्लैंड की टीम में कई शानदार खिलाड़ी, जैसे कि हम बात करें पहले मुकाबले में जीत में अहम रोल निभाने वाले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की भी वापसी हो जाएगी, यानी कि इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो टीम इंडिया ने इंडिया में भी यहां पर इस मुकाबले के लिए बदलाव किया था, उस बदलाव में यहां पर जसप्रीत बुमराह एक बार फिर पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और वो इस मुकाबले में हमें खेलते हुए दिखेंगे। तो चलिए जान लेते हैं टीम इंडिया की पूरी स्क्वाड की, आखिरकार कौन कौन से खिलाड़ियों को टीम इंडिया की तरफ से मौका मिलने वाला है। टीम इंडिया की तरफ से पहले खिलाड़ी रहने वाले हैं कप्तान विराट कोहली, तो इसके बाद दूसरे खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे, तीसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा, चौथे खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा, पांचवें खिलाड़ी शुभमन गिल और छठे खिलाड़ी मयंक अग्रवाल होने वाले हैं, यानी कि ये छह बल्लेबाज टीम की तरफ से रहने वाले हैं। इसके बाद ऑलराउंडर की बात करें तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल, ये चार ऑलराउंडर टीम इंडिया की तरफ से खेलने वाले हैं। वहीं पर विकेट कीपर के तौर पर टीम इंडिया के पास तीन विकेट कीपर मौजूद रहेंगे इस टेस्ट के लिए, ऋषभ पंत, रिद्धिमान शाह और लोकेश राहुल। वहीं पर गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजी में हमें दिखने वाले हैं कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और इसके बाद दो खिलाड़ियों की जो वापसी होने वाली है टीम में, वो खिलाड़ी है मोहम्मद शमी और नवदीप सैनी की यहाँ पर वापसी होने वाली है। हालांकि टी नटराजन को टीम के साथ जोड़ा जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर टीम के लिए मैच खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, जबकि वनडे व टी ट्वेंटी की तैयारी के लिए वो यहाँ पर टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे और प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर राहुल चहर और शाहबाज नदीम जैसे कई गेंदबाज हैं जो यहाँ पर टीम इंडिया के लिए नेट में बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। हालांकि कोई भी खिलाड़ी अगर चोटिल हुआ तो फिर इन खिलाड़ियों को उनमें जगह दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें हम कि इस मुकाबले के लिए आखिरकार क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, तो हम इस पिंक बॉल टेस्ट में हम एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज यहाँ पर टीम इंडिया खिला सकती है, जिसके चलते यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की वापसी होना लगभग तय है। इसके अलावा यहाँ पर टीम के लिए ज़्यादा कुछ बदलाव की जरूरत नहीं है। हालांकि कुलदीप यादव को ज़्यादा गेंदबाजी का मौका भी नहीं मिला था दूसरे टेस्ट मुकाबले में, तो उनका यहाँ पर उनकी जगह पर कोई एक तेज़ गेंदबाज शामिल हो सकता है, जिसमें जसप्रीत बुमराह का नाम हो सकता है, या फिर अगर तीन तेज़ गेंदबाज के साथ टीम इंडिया नहीं उतरती है तो फिर यहाँ पर हमें कुलदीप यादव ही खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि मोहम्मद सिराज इस टेस्ट मुकाबले से बाहर हो जाएंगे और उनकी जगह पर जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आपकी प्लेइंग 11 क्या टीम इंडिया के लिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।